रविंदर जीत सिंह को पूरी बहुमत से यहाँ से इलाके के नौजवानों ने सब बुजुर्गों ने ठाना है, बहुत भारी संख्या में यहाँ से जिता कर भेजेंगे। आज कार्यक्रम राव साहब के तो काफी कार्यक्रम है, परंतु हम सब नौजवान साथियों की टीम से इलाके की हमारी तरफ से 9 कार्यक्रम रखे गए हैं। इसके बाद शहनवास गाँव में प्रोग्राम है, उसके बाद फूलपुर गाँव में प्रोग्राम है, गंगाई चाहिर गोकलगढ़, इस तरीके से कार्यक्रम शाम तक। आपके साथ हजारों युवा है, इसका कितना फर्क पड़ने वाला है? आज आप देख रहे होंगे यहाँ नौजवानों की संख्या, एक बार आप कैमरा घुमा के सब आप देख लें तो आपको पता लग जाएगा नौजवान किस तरफ रुझान कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी भी किस तरह से चुनौती दे पाएंगे रविंदर जी? उनका कोई मुकाबला नहीं रहेगा, बहुत पीछे रहेगा। जहाँ पर भी मैं जाता हूँ मुझे हर इलेक्शन के अंदर मिलता है, और पिछले 4 इलेक्शन के अंदर लोगों ने मेरे को बार बार जिताया है, और इस बार भी मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि लोग अपने आप को इंद्रजीत सिंह समझ करके इस बार भी मेरे को जिताएंगे। और जो मेरे को ताकत लोगों के मार्फत मिली है उसको मैंने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया, लोगों की बहबूदी और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया है। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि लोग इतनी भारी तादाद के लिए मेरा समर्थन करते हैं। मेवात का जिक्र किया अभी आपने, और जगहों पर किस तरह का समर्थन मिल रहा है? मेरे को तो मेवात में भी समर्थन मिल रहा है, जहाँ सबसे कम उम्मीद थी उन 3 सीटों में से, मेरे को तो आज के दिन ये उम्मीद है शायद सांसद रह चुके हैं, और अब कैप्टन अजय सिंह यादव आपको टक्कर दे पाएंगे? वो तो वक्त बताएगा। नहीं सर, आपने मेवात में काम किया है, हरियाणा दक्षिणी हरियाणा में काम किया है, लेकिन उनका तो सीमित एरिया रहा है ना रेवाड़ी तक, तो आपका इस मामले में क्या कहना है? देखो रेवाड़ी से बार बार वो इलेक्शन लड़े हैं, 2 बार तो मेरे पिताजी ने उनकी मदद करके चुनौती रही आया था, एक बार मैं अपना इलेक्शन यहाँ पे आया था। जब तो हम एक ही पार्टी के हमारे साथ उनको कह सकते थे, लेकिन इस बार जब मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये दावा करते हैं कि मेरे पिताजी ने राव इंद्रजीत सिंह के पिताजी को हराया, मैंने इंद्रजीत सिंह के भाई को हराया, मैं इस बार इंद्रजीत सिंह को हराऊंगा, तो अब देखो तेल की धार देखो। सनी यादव ने भी समर्थन दिया, युवा जुड़े हुए हैं, क्या कहो कितना फर्क पड़ेगा इस चीज से? देखो युवा तो हमारे साथ लगी रही है, उनका स्वागत है, जिन लोगों ने पार्षद होने के साथ साथ लोगों के अंदर कुछ अपनी पैठ बनाई है, तो आज ही हमारा सहयोग कर रहे हैं, उनका स्वागत है।